हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अज आप इस वीडियो दे विच गल करांगे पंजाब स्कॉलरशिप दे बारे। सवेरे जिहड़े फॉर्म आ तुसीं किवें मोबाइल तो अप्लाई कर सकते हैं। सर नूं पहलां तुहानूं मैं दसदा, जिहड़े फॉर्म हुंदे आ फस्ट क्लास तो लैके जे तुसीं ग्रैजुएशन पोस्ट ग्रैजुएशन कर रहे हो, कोई भी क्लास दे फॉर्म तुसीं भर सकते हो, अपने मोबाइल तो ही भर सकते हो। अगे आपां इस वीडियो दे विच गल करांगे सो फॉर्म तुसीं किवें भरने आ। ये सो जिन्हां दी कैटेगरी एस सी एंड बी सी कैटेगरी वास्ते जिहड़े फॉर्म हुंदे आ पंजाब स्कॉलरशिप वाले, तो जिहड़े जिन्हां दी कैटेगरी जनरल आ उन्हां वास्ते नैशनल स्कॉलरशिप दे फॉर्म हुंदे आ, तुसीं उह अप्लाई कर सकदे आ। सो अज आपां इस वीडियो दे विच गल करनी आ डॉक्टर अंबेदकर स्कॉलरशिप पोर्टल दी। सो इहदे जिहड़े फॉर्म आ तुसीं किवें मोबाइल तों अप्लाई कर सकदे आ, इहदे वास्ते तुहाडे कोल अपना आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए तुहाडे कोल। सो अगे आपां वीडियो शुरू कर। सो वीडियो शुरू करन तों पहलां जिहड़े भी वीर अपने इस चैनल ते नवे आए आ, सो सारों नूं पहलां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर लियो एंड जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रहा वा उहनूं जरूर प्रेस कर दिया करो, तां कि जिहड़ी भी आपां नवीं अपडेट लैके आईए उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ सारों नूं पहलां तुहाडे कोल आ सके। सो वीडियो शुरू करदे आ। इहदे च आपां जे गल करीए सारों नूं पहलां इहदे च ना फ्रीशिप कार्ड बणदा वा, तो फ्रीशिप कार्ड देखो जिहड़े कि कैंडीडेट च नवे आए आ सानूं पहलां उहनां नूं फ्रीशिप कार्ड बनाउणा पैणा वा, तो जिहड़े कैंडीडेट पहलां जिन्हां दा बणिया होया वा वो डायरैक्ट इह अपना स्कॉलरशिप दे लई अप्लाई करनगे। सो पहलां आपां गल करनी है फ्रीशिप कार्ड किवें बनना, उस तों बाद आपां दस्सांगे किहड़े तुसीं इह अपने स्कॉलरशिप दे फॉर्म किवें मोबाइल तों अप्लाई कर सकते हैं। सो सारों नूं पहलां तुसीं ऑफिशियल साइट ते आ जाणा वा, डॉक्टर अंबेदकर स्कॉलरशिप पोर्टल ते आ जाणा वा। इहदा जिहड़ा लिंक आ तुहानूं डिस्क्रिप्शन 'च भी मिल जूगा, ठीक है। बाकी तुसीं इत्थे सर्च भी कर सकते हो गूगल 'ते, scholarship.punjab.gov.in ते जाके तुसीं इस साइट 'ते आ सकते हो। सो जदों तुसीं साइट 'ते आ जाओगे बिल्कुल नीचे आ जाना वा, इत्थे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 'ते क्लिक कर लेना वा। इत्थे भी उपर मैनशन किया होया वा स्कॉलरशिप फॉर एस सी एंड ओ बी सी कैटेगरी वास्ते आ, ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन 'ते आपां क्लिक करांगे ते उस तों बाद आपां इत्थे नीचे आ जाएंगे। इत्थे अपने कोल ऑप्शन आ रही है स्टूडेंट कोटे दे विच, आपां इत्थे सिलेक्ट करना वा नॉन मैनेजमेंट कोटा, इत्थे आपां सिलेक्ट कर लाँगे। उस तों बाद आपणा इत्थे आधार कार्ड नंबर मैनशन करना वा, आधार कार्ड नंबर तुसीं सही फिल करे इहदे विच, ते उस तों बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ हो गई आ। तो जे किसी कोल आधार कार्ड नंबर नहीं हैगा इत्थे तुसीं अपना आधार वर्चुअल आई डी भी इत्थे फिल कर सकते हो, वैसे सारे कोल आधार कार्ड नंबर हुंदा ही है, ठीक है। अपना आधार कार्ड नंबर ही फिल करियो, उस तों बाद इत्थे अपना फस्ट नेम फिल कर देना वा, मिडल नेम जे किसी का हैगा फिल कर सकते हो, उस तो बाद इतने अपना लास्ट नेम जे किसी का हैगा फिल कर सकते हो। आफ्टर दैट इतने अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना वा, उस तो बाद आप इतने नीचे आवेंगे आई एग्री एंड प्रोसीड ते क्लिक कर लेंगे। सबसे पहले आप इतने अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लें, तो उस तो बाद अपने को इतने ऑप्शन फादर नेम की ओपन हो जूगी, इतने अपना फादर नेम मैनशन करना वा, इतने अपना मदर नेम मैनशन करांगे, उस तो बाद इतने अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना वा। आफ्टर दैट इतने अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी आ, तो उस तो बाद तुसीं इतने अपना इनू नो कर देना वा, इतने डी ई नोटिफाइड ट्राइबाई ट्राइब दे आप नो कर देंगे। उस तो बाद अपना इतने मोबाइल नंबर फिल कर लेना वा। आफ्टर दैट तुसीं इतने अपनी मेल आई डी फिल कर लेनी है, तो एनुअल इनकम देखो तुसीं जिहड़ा ये स्कॉलरशिप के फॉर्म होंगे आ, वैसे तो यह 2.5 लाख तो जिन्हें थले इनकम हैगी भर सकते हैं, बाकी ये आप जी एनुअल इनकम अपनी तकरीबन 60,000 रुपया, ठीक है, ये फिल करो, तो जो सर्टिफिकेट बना वे भी 60,000 ही फिल करवाना वा। उस तो बाद आप एड्रैस फिल करना, ये स्टेट नेम सबसे पहले अपना स्टेट नेम मैनशन किया हुआ वा, इतने अपना एड्रैस फिल कर लाँगे। आफ्टर दैट नीचे तो अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना वा, उस तो बाद अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है, तहसील तो बाद तुसीं इत्थे अपना पिन कोड नंबर इत्थे अपना फिल कर लेना वा। जे सारा तुहाडा एड्रैस यह सेम आ, परमानेंट एड्रैस जी भी तुहाडा सेम ही आ, तुसीं इत्थे टिक कर सकते हो। उस तो बाद आपां इत्थे नीचे आ जाएंगे, इत्थे अपना कैप्चा जिहड़ा आ रहा वा फिल करांगे, इत्थे कैप्चा फिल करके सेव अबव डिटेल्स एंड रजिस्टर मी ते क्लिक कर लाँगे। सारी डिटेल पहले अपनी चैकआउट कर लेनी है, जे कोई गलती हैगी तुसीं सही कर सकते हो। उस तो बाद अपने कोल तकरीबन एडिट की ऑप्शन नहीं आती हैगी, सर नूं पहले चैकआउट कर लियो सारा कुछ अपना तुसीं सही फिल किया वा। तो उस तो बाद यूज़र आई डी एंड पासवर्ड तुहाडे कोल कलैक्ट हो जाता, तुसीं इहनूं सेव करके रख सकते हो जां स्क्रीनशॉट लैके भी रख सकते हो। उस तो बाद आपां गो टू स्कॉलरशिप पोर्टल एंड लॉगिन ते क्लिक कर लेना वा, अपने यूज़र आई डी एंड पासवर्ड के नाल दुबारा लॉगिन कर लाँगे। आई डी लिख के इतने अपना पासवर्ड फिल करके तुसीं इत्थों लॉगिन ते क्लिक कर लेना वा,
इनू पासवर्ड आप सेव कर लें। उस तो बाद आप इतने नीचे आ जाएंगे तो इतने अपने कोई ऑप्शन आ रहा वा अपलाई फॉर फ्रीशिप कार्ड, इतने आप क्लिक कर लाँगे। सो क्लिक करने तो बाद अपने को सर पहल अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है तो साइड पर अपने इतने अपने को ऑप्शन आ रही है अपलोड इनकम कास्ट एंड पास सर्टिफिकेट। जिदा तुम प्लस टू क्लास हो ठीक है, तो इतने तुम अपना प्लस वन का सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। सर पहल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करेंगे तो आप क्लिक कर लेना वा, इतने तुम अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करनी है। वह जो साइज है तुहाडे कोले लैस दैन 20 KB होना चाहिए वा, तो जो फॉरमेट है JPG के होना चाहिए वा। सर पहल आप जो फोटोग्राफ अपलोड कर लें, जो थोड़ी इतनी फोटो अपलोड होगी इतों आप बैक आ जाना वा। सो बाई चांस जे तुहानू कोई प्रॉब्लम आती है फोटो सैट बनाने कोई भी डाकूमेंट साइज बनाने ठीक है, वैसे तो मैं वो वास्ते एक अलग वीडियो बनाई हुई है, वह जो लिंक है तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जूगा ठीक है, उतों दे जाके वीडियो चैकआउट कर सकते हो जो साइज तुम किमें बना सकते हो। बाकी जो तुम्हें फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है मैं व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाया हुआ वा। उस तो बाद आप इतने अपलोड इनकम कास्ट पास सर्टिफिकेट से क्लिक करा। सो इतें तुम देख सकते हो इतने तुम अपना अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट, तो इतने तुम करना वा इनकम सर्टिफिकेट, नीचे तुम अपना पास सर्टिफिकेट। जे तुम प्लस टू के फॉर्म भर रहे हो प्लस टू क्लास चो तो इतने अपना 11th का क्लास का सर्टिफिकेट लाओगे, जे तुम 10th का कर रहे हो फिर तुम अपना इतने 9th का सर्टिफिकेट लाओगे ठीक है, वो तो पिछली क्लास का सर्टिफिकेट तुम इतने अपलोड करना वा। तो जो इनकम सर्टिफिकेट है तुम वो अपना लेटैसट नव बना ठीक है, उही अपलोड करना ये अपना पुराना इनकम सर्टिफिकेट नहीं लाना, फिर थोड़ा फ्री शिप कार्ड नहीं बनना है, इस चीज़ का ध्यान रखियो। तो इतने तुम अपना अपलोड कास्ट सर्टिफिकेट जी थोड़ी कास्ट हैगी जिदा कि ऐसी कास्ट है, तुम इतने अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करोगे। सो ये देख सकते हो सर पहला थोड़े को फॉरमेट है PDF होना चाहिए वा, तो 125 KB तो जोड़ा सफाई का फाइल साइज जो है 125 KB लैस देन होना चाहिए वा, 125 GB तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखियो। फिर ही जो डाकूमेंट थोड़े अपलोड होने ये JPG फॉरमेट के अपलोड नहीं होने, PDF के ही हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखियो। सो उस तो बाद जो डाकूमेंट सारे तुम आप एक बार अपलोड कर लियो ठीक है, अपलोड करने बाद इतने दोबारा होम पे आ जाना वा। तो उस तो बाद इतने अपना ऑप्शन अगे ऑप्शन आ रही अपने कोर्स प्रेजेंटली स्टडिंग जो कोर्स सिस्टम कर रहे हो उस तो सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट ये अपनी ब्रांच सिलेक्ट कर लेनी है, कोर्स ईयर अपना इतने कोर्स का ईयर अपना सिलेक्ट कर लेना वा, जिदा कि फस्ट ईयर मैं BA स्टार्ट की है हजे, तो अपना प्लस टू का सर्टिफिकेट इस लगेगा ठीक है। कोर्स लास्ट क्लास जो थोड़ी पिछली क्लास है जिदा कि आप प्लस टू करके आए हैं, सो ये अपना इतने प्लस टू की मार्कशीट लाओगे। सीनियर सेकेंडरी ये अपना जी तो स्ट्रीम थी वो अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। आर्ट्स आफ्टर दैट इतने जो तुम अपना कोर्स ईयर इतने तुम अपना सैकेंड ईयर जे तुम प्लस वन का करना फिर तुम इतने फस्ट ईयर सिलेक्ट करोगे, जे तुम अपना प्लस टू की मार्कशीट लानी इतने तुम अपना सैकेंड ईयर सिलेक्ट कर लेना वा। उस तो बाद आप इतने नीचे आवेंगे, तुम देख सकते हो सारा कुछ अपने पढ़ के तुम चैकआउट करना वा। डू यू हैव हाउस विद मोर दैन वन रूम, इतने तुम कर देना इनू नो ते क्लिक। जे थोड़े एक तो ज़्यादा कमरे है ठीक है, थोड़े घर के अपने अकॉर्डिंग यस नू कर सकते हो। डू यू हैव अडल्ट मैंबर बिटवीन द एज, जे थोड़े घर 16 साल तो लैके 69 साल के ठीक है मैंबर है तुम इतों यस कर सकते हो। उस तो बाद अपने को इतनी ऑप्शन आ रही है डू यू हैव एनी अडल्ट मेल मैंबर बिटवीन 16 and 59 इन यूअर फैमिली, हाँ जी इतनी भी आप यस करा। उस तो बाद डू यू हैव एनी एबल बॉडी, जे थोड़े घर के कोई डिसेबल हैगा वा फिजिकली हैंडीकैप वा तुम इस सिलेक्ट कर सकते हो, इतने आप नो कर देंगे। सो डू यू बिलोंग टू SC/ST क्लास, हाँ जी इतने आप यस कर देंगे। आफ्टर दैट नीचे आवेंगे इतने डू यू हैव एनी इलिटरेट, जे थोड़े घर के कोई अनपढ़ हैगा वा ठीक है ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो उस तो बाद इज योर फैमिली मेजर पार्ट ऑफ इनकम फ्रॉम मैनुअल, इतने तुम लेबर तो आप हाँ इतनी यस कर देना वा, इतने आप करा यस, जी इनकम आ लेबर तो आती है आप यस कर देंगे। आर यू पेरेंट्स इलिटरेट, जे थोड़े पेरेंट्स पढ़े लिखे तो इतने इनू नो कर दोगे। नीचे आवेंगे अपने को इतनी ऑप्शन आ रही है हैव यू पास्ट 10th क्लास फ्रॉम ए स्टेट गवर्नमेंट म्यूनसीपैलिटी लोकल बॉडी स्कूल, इतने आप करा यस। उस तो बाद आप इतने सेव पर क्लिक कर लाँगे,
डिटेल एक बार दोबारा चेकआउट कर लियो। उस तो बाद आप नीचे आवेंगे, बिल्कुल इतने तुम्हें सेव पर क्लिक कर लेना वा। तो उस तो बाद अपने को इतनी ऑप्शन आ जाती है सेंड फॉर अप्रूवल, तो आप क्लिक कर देना वा। जिहड़ा तुहाडा फ्री शिप कार्ड है ये अप्रूवल दे लई सेंड उन्हां नूं हो जूगा, ठीक है। जदों तुहानूं उहदी अप्रूवल मिल गई तो तुहाडा ये अप्रूव हो गया, फ्री शिप कार्ड तुहाडा बन गया, फिर तुसीं अपनी स्कॉलरशिप के लिए अपलाई कर सकते हो। जदों तुहानूं ये पता लग जाणा तुहानूं मोबाइल ते मैसेज भी आ जाणा वा। बाकी तुसीं एक बार लॉगिन करके दोबारा चेक आउट इत्थों कर सकते हो। जदों तुहाडा ये अप्रूव हो गया तुसीं दोबारा इत्थे साइट ते आ जाणा वा ते दोबारा अपना स्कॉलरशिप के लिए अपलाई करना वा। सो स्कॉलरशिप के लिए तुसीं किवें अपलाई करना उहदे वास्ते एक अलग वीडियो बनाई हुई है, उहदा जिहड़ा लिंक आ तुहानूं डिस्क्रिप्शन 'च मिल जूगा, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वड्डी वीडियो हो जाए इस करके आपां अलग उहदी वीडियो बनाई हुई आ, उह तुसीं उत्थों चैकआउट कर सकते हो। अगे वाला प्रोसैस तुसीं उत्थों जाके देख सकते हो। सो उम्मीद है तुहानूं इह अपनी अपडेट जरूर पसंद आई होगी। जी वीडियो वधिया लगी आ तां चैनल नूं सबसक्राइब जरूर कर दिओ, एंड जिहड़ा नाल बैल आइकन आ रहा वा उहनूं जरूर प्रेस कर दिया करो, ता कि अगली जिहड़ी भी आपां नवीं वीडियो लैके आईए उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन आ इस तरह ही तुहाडे कोल आउंदा रहे। सो थैंक यू गाइज़।